सो फाइनली गाइज यहाँ पे K50 सीरीज की ऑफिशियल इमेज निकल के आ चुके हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, इसके यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। और गाइज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे यहाँ पे स्पेक्स रहने वाली है और कैसा डिजाइन रहने वाला है। तो गाइज जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको काफी बढ़िया डिजाइन देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइज, आपका भी मर्सिडीज का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मर्सिडीज के साथ इस बार कोलेबोरेशन हुआ है, ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा आईक्यू सीरीज में आपको BMW का कोलेबोरेशन देखने के लिए मिलता है, तो कुछ ऐसा ही गाइस यहाँ पे रेडमी ने सोचा है, जो कि यहाँ पे मर्सिडीज के साथ कोलेबोरेशन हुआ है। जो कि यहाँ पे K50 सीरीज आ रही है, उसमें गाइस आपके यहाँ पे जो गेमिंग एडिशन है उसमें आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है और काफी बढ़िया डिजाइन के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। तो गाइस इसके यहाँ पे ऑफिशियल इमेज निकल के आ चुके हैं, यहाँ पे लॉन्च डेट भी फिक्स हो चुके हैं दोस्तों। तो गाइस ये जो गेमिंग एडिशन है वो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिलने वाला है। उससे पहले हम जान लेते हैं गाइस कैसे यहाँ पे स्पेक्स रहेगी, मतलब कैसा प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो गाइस इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस इमेज में देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। काफी बढ़िया प्रोसेसर होने वाला है। लेकिन गाइस जैसे कि हमने देखा था कि K40 सीरीज में आपको यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने के लिए मिल गया था, लेकिन गाइस इस बार यहाँ पे जो गेमिंग एडिशन है उसमें आपको काफी बढ़िया अपग्रेड देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आने वाला है दोस्तों। तो गाइस काफी बढ़िया प्रोसेसर होने वाला है, काफी बढ़िया सीरीज होने वाले गाइस, और काफी तगड़ा परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। गाइस आपको क्या लगता है कैसा यहाँ पे परफॉर्म करेगा, कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे याद होगा कि जो कि यहाँ पे K40 सीरीज आई थी वो आपको इंडिया में पोको F3 GT करके आपको रिब्रांड करके देखने के लिए मिल गया था दोस्तों, और उसमें भी आपको यहाँ पे यही प्रोसेसर देखने के लिए मिल गया था। लेकिन गाइस अगर ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने के लिए मिलता है तो आपको क्या लगता है गाइस, पोको की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर रेडमी की तरफ से? और गाइस कौन सा प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है वो भी आपको मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे इसके अदर स्पेस को लेके, तो गाइस स्पोर्ट वेरिएंट में आपको काफी तगड़ा प्रोसेसर के साथ में काफी तगड़ी कूलिंग सिस्टम भी देखने के लिए मिलने वाले है, जैसे कि यहाँ पे रेडमी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इसमें आपको VC कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिलने वाले है, जो कि काफी तगड़ी होने वाली है। और गाइस इसमें यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुए उसकी मदद से आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो कि यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है दोस्तों वो आपको यहाँ पे 40% ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, मतलब यहाँ पे अगर आपका जो प्रोसेसर है गाइस वो आपको यहाँ पे हीटिंग इश्यू प्रोवाइड करता है तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और हाँ गाइस जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था, जो कि K50 सीरीज के ऊपर था, उसमें आपको सबसे पहले स्पोर्ट वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस ऐसे यहाँ पे ऑफिशियल इमेज निकल के आ चुके हैं, जैसे कि भी आप देख पा रहे गाइस। तो वही गाइस K50 सीरीज को और बेहतर बनाने के लिए आपको इसमें LPDDR5 का सपोर्ट और UFS 3.1 की स्टोरेज आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाले है, जो कि IO टर्बो सपोर्ट के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि गाइस 300% ज़्यादा आपको इसमें काफ़ी फास्टेस्ट जो रैम प्रोसेसर है गाइस वो देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस के साथ में आपको स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाला है। और गाइस जैसे कि आपका यहाँ पे पता है मर्सिडीज के साथ कोलेबोरेशन हुआ है, तो गाइस मुझे पता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन यही रहेगा कि इंडिया में आपको मर्सिडीज का ये वेरिएंट देखने के लिए मिल सकता है या फिर नहीं। तो गाइस अभी तक यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन निकल के नहीं आया कि इंडिया में आपको ये वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इसके ऑफिशियल लॉन्च के बारे में, तो गाइस 16 फरवरी को ऑफिशियली आपको स्मार्टफोन चाइना में देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि अभी इसकी लॉन्च डेट निकल के आ चुके हैं। और गाइस प्राइसिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता गाइस कि आपको स्मार्टफोन 50,000 से नीचे देखने के लिए मिल सकता है। आपको क्या लगता है गाइस ये फ्लैगशिप सीरीज आपको कितने में देखने के लिए मिल सकती है, कमेंट में जरूर बताइए। और गाइस इंडिया में आ सकते हैं या फिर नहीं वो भी आप मुझे जरूर बताइए दोस्तों। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।